गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी से मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। ये है मेरा ब्रेकफास्ट जो है ग्रीन टी और काबली चना का सब्जी और घी में फ्राई किया और रोटी। इधर टीवी चल रहा है, बेटी इंजॉय कर रही है और इधर झींगा फिश का सब्जी बनाऊंगी आज। अरबी और आलू डाल के उसको उबाल लिया है, उसका मसाला भी कर लिया है, घर को पूरा साफ सफाई कर दिया है। और इधर देखिए मेरा पौधों में कितने सारे फूल आए हैं, जिसको मैं हर बार जितनी बार देखती हूँ उतनी बार मेरी माइंड फ्रेश हो जाती है। और आप और अभी मैं लंच बनाने के लिए आ चुकी हूँ। इधर मैं लंच बना रही हूँ, अरबी और आलू की झींगे की सब्जी। और इसको दे दिया मैंने कढ़ाई में तड़का डाल के, फिर उसको अच्छे से फ्राई करूँगी। फ्राई करके उसका मसाला डाल दूँगी, उसके साथ अच्छे से कुक करूँगी। मसाले में अदरक लहसुन टमाटर और प्याज का पेस्ट। हो गया हमारा प्रॉन करी जो कि एकदम सिंपल बनाया है वही गाठी कोचू से। इधर तो इसको अरबी बोलता है। और मैंने तेल मसाला एकदम कम कम डाला है। मसाला तो आपने देख ही लिया होगा, वो प्याज लहसुन अदरक टमाटर और लाल मिर्च पाउडर धनिया पाउडर जीरा पाउडर वो डाल के फिर उसको फ्राई कर रही थी मैंने, आपने देखा। फिर उसके बाद उसको अच्छे से मसाले के साथ कुक करना है, थोड़ा पानी डाल के फिर अच्छे से उबल जाएगा। 5-10 मिनट तक उसको उबालना, सब मिलके इसको अच्छे से उबल आएगा, मिक्स होगा अच्छे से, फिर जाके ये हो जाएगा। और कल का दाल बचा है वो गरम कर लूँगी। और इधर चावल हो रहा है, ये आज का लंच रहेगा हमारा। और मैंने गैस को साफ़ कर लिया है, पूरा किचन पूरा साफ़ कर लिया। अभी खाना बनाने के बाद इतना बर्तन हुआ है उसको धोऊंगी मैं। जो कच्चा आम होता है उसका शरबत बनाऊंगी मैं आज। इसको जला लूंगी पहले गैस के ऊपर। आप इसको उबाल भी सकते हो नमक डाल के, लेकिन जलाने से उसका स्मेल बहुत अच्छा आता है। और इधर गुड़ को मैं ऐसे कर लूँगी, फिर उसके बाद काला नमक डालूँगी, उसमें ठंडा पानी डालूँगी, फिर गुड़ को अच्छे से हाथों से मैश करूँगी, उसको पानी के साथ पूरा मिक्स करूँगी। थोड़ा सा जीरे का पाउडर, अभी गुड़ को देखिए मैं अच्छे से मैश कर रही हूँ, पानी के साथ मिक्स करूँगी पूरा। अगर जैगरी पाउडर होता है ना, फिर इसको थोड़ा घोल लो तो हो जाता है, लेकिन ये है पूरा होल जैगरी था, इसके वजह से मुझे काट के इसको घोलना पड़ रहा है। आम को पूरा जला लूँगी, उसके बाद ये मैं पकौड़ा बनाऊँगी। कल का थोड़ा बेसन बचा था उसका, दाल और अरबी की सब्जी, उसका बन जाएगा मेरा आज लंच। अभी इसका छिलका उतार लेने का, ऐसे ही धीरे धीरे गर्म होता है। अगर पानी में डाल दोगे तो इसका टेस्ट अलग होता है, इसके वजह से गर्म थोड़ा ठंडा कर लेने का, फिर मिक्सर में डाल के उसका पेस्ट बना लेने का। फिर पानी में डाल के, वही गुड़ वाली पानी में डाल के इसको अच्छे से घोल लेने का। और ठंडा पानी डालना एकदम दोपहर के टाइम में, एकदम रिफ्रेश कर देगा आपको। ये जूस बहुत टेस्टी बनता है, ये 3 ग्लास हम तीनों के लिए। और यम्मी, इसको अभी बेटी इंजॉय करेगी और मैं भी। गर्मी में एकदम रिफ्रेश कर देगा आपको, इतना टेस्टी इतना यम्मी लगता है ना खाने पीने में। हम लोग बंगाली है तो सब चीज़ खाने में बोल देते हैं, तो सॉरी, लेकिन बहुत टेस्टी है, ट्राई कर सकते हो। आज हम लोग जाने वाले फ्रेंड के घर पूजा है, और लोकनाथ बाबा का पूजा, हम बैगोली में उनको बहुत मानते हैं, तो उन्होंने शाम को बुलाया है, तो उधर जाऊंगी। इसलिए सुबह मैं आज जल्दी जल्दी में सब कुकिंग कर लिया, पूरा घर की साफ सफाई पूरा हो गया, थोड़ा स्टिचिंग का ऑर्डर आया है वो करूँगी। कल रात को कटिंग किया था, स्टार्ट करूँगी। एक फ्रेंड ने दिया है 3 ब्लाउज बनाने के लिए, उनको अर्जेंट चाहिए, उसमें से एक तो कम से कम उसको देना ही पड़ेगा। कल भी मेरे को बोला है कि कब दोगे। अब 2 दिन से इतना टायर्ड लग रहा था, हम लोग घूम के आए थे इसकी वजह से, तो अभी मैं करूँगी वो। और मेरा फेस थोड़ा सुधरा है, अभी भी टैन ही है, पूरा काला हो गया है फेस। गुड इवनिंग गाइस, अभी हम लोग आ गए हैं फ्रेंड के घर। पूजा बोली थी ना मैं, वो देखिए लोकनाथ बाबा का दर्शन कर लीजिए, बहुत अच्छे से पूजा हुआ है। ये सारे फ्रेंड आए, अभी भी बहुत सारा आना बाकी है, और हम लोग इंजॉय कर रहे, इधर खिचड़ी सब्जी बन रहे कर पाई आज के वीडियो को, क्योंकि हम लोग पूजा में गए थे फ्रेंड के घर। अभी बहुत रात हो चुका है, उधर खाना वाना खा के आए, प्रसाद दिया था, खिचड़ी सब्जी और बहुत तरह तरह के फ्रूट्स, लोकनाथ भगवान का फेवरेट होता है मिश्री वो दिया था, उसके साथ फ्रूट्स, और हमारा मिक्स एक प्रसाद होता है वो दिया था,
खिचड़ी सब्जी और खीर बनाई थी वो खा के आई, और हस्बैंड नहीं गया था तो उनके लिए लेके आई, और मेरी बेटी इधर सो गए और हस्बैंड उधर न्यूज़ देख रहे हैं। बहुत गर्मी है तो एसी ऑन कर दिया है, अभी मस्त ठंडा लग रहा है तो हम लोग सोए, देखो इसलिए कंबल हो रहा है। तो आज का वीडियो इतना ही था अभी के लिए, बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय, गुड नाइट।